राइट। सो देन हम लोगों ने क्या बोला, एसईओ, गूगल एसईओ कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, सर्च इंजन पे कर रहे, राइट। तो इसको मैं बोल रहा हूँ पुल प्लेटफॉर्म, क्यों? क्योंकि सर्च इंजन पे हम लोग नीड लेके जाते हैं, राइट। सो व्हेन यू हैव अ नीड यू गो टू द सर्च इंजन, राइट। तो सिमिलरली गूगल एड्स, जो सर्च एड्स है उनको क्या बोल सकते हैं, जो सर्च इंजन पे दिख रहे हैं उनको वी कैन कॉल देम एज पुल, एंड देन वी कैन कॉल ऑल ऑफ दीज एज पुश। बिकॉज डिस्प्ले एड्स का मतलब क्या हो गया, अभी इंसान न्यूज पढ़ने गया है, राइट, अभी उसको कोर्स बेच रहा है, कोर्स की जरूरत है कि नहीं है कोई आइडिया नहीं है, राइट। या यहाँ पे उसको इंश्योरेंस बेच रहा है, इंश्योरेंस उसको चाहिए कि नहीं चाहिए कोई आइडिया नहीं है, राइट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहा है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट का, तो ये पुश एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, न्यूज का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। एंड सिमिलरली ऐसे ही तो वीडियो पे भी, आप मोबाइल, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, वहां पे एड्स आते हैं, राइट। तो वो एड, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, बट हाँ उसके अलग अलग मेथड्स है, जिसमें एक तरीका मैंने बताया कल, थोड़ा सा आप लोग का आइडिया दिया कि एक रीमार्केटिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, बट इसको चलो आगे हम लोग समझते हैं रीमार्केटिंग सबसे, ठीक है। तो अब हम लोग और आ जाते हैं, अब और कहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, वी स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो सोशल मीडिया में हम लोग जाते हैं, जब फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, या बाकी जगह पे, डू वी गो देयर टू बाय अ प्रोडक्ट, और वहां पे अदरवाइज हम लोग दूसरे चीज के लिए वहां पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या क्यों जाते हैं, कोई बता सकता है? फेसबुक पे क्यों जाते हैं हम लोग, जाते हैं कि नहीं जाते? हाउ मेनी ऑफ अस मीम्स के लिए जाते हैं? शगुफ्ता बोल, ओके ठीक है बढ़िया। और तो बेसिकली हम लोग टाइम पास के लिए जाते हैं, राइट, परफेक्ट है। तो हम लोग टाइम पास के लिए जाते हैं, तो जब हम लोग टाइम पास के लिए फेसबुक पे जाते हैं, वहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो क्या फायदा है उसका, बिकॉज जब हम लोग टाइम पास करें तो हम लोग तो सबसे रिलैक्स स्टेज पे है, विल नॉट नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, वहां पे एडवर्टाइज करने का कुछ सेंस है क्या? तो देन दैट इज अ पुश एड ऑल्सो, राइट राइट। तो देन सोशल मीडिया को हम लोग पुश बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे, लेकिन अब सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जहां पे हर कोई जाता है, जैसे मैंने वेबसाइट पे एडवर्टाइज करेंगे, बट अगर आप लोग से पूछा कि पिछले 3-4 दिन में कितने वेबसाइट्स आपने ऐसे विजिट किए हैं जिसमें एड्स दिखते होंगे, तो यू वुड हैव विजिटेड सम, बट लार्जली अभी मान लो आप कोई यूटिलिटी साइट पे जाते हैं तो वहां पे एड्स नहीं दिखेंगे, राइट। तो नॉट नेसली ऑन ईच वन ऑफ अस विल हैव डिफरेंट वेबसाइट प्रेफरेंसेस ऑफ अस, राइट। तो हर कोई अलग अलग जगह रहेगा, बट सोशल मीडिया इज वन सच प्लेटफॉर्म जहां पे एवरी वन इज देयर, राइट। तो अब एज एन एडवर्टाइजर हम लोग बोल रहे हैं चलो अब सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों को टारगेट करते हैं, राइट। तो फिर जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो उसमें भी आपको एड्स दिखते हैं, ये देखो ये एड्स मुझे दिख रहा है कल से, ठीक है। ये बात अलग है कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मतलब एड्स तो टारगेटिंग तो ठीक है बिकॉज ये प्रोडक्ट रिलेवेंट है, लेकिन कैसा मेरे को टारगेटिंग तो सही है बट बहुत सारे इसके, तो ये फेसबुक एड्स इसको बोल रहे हैं, ये सेम फेसबुक का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पे मैनेज एड्स करके है तो इसके थ्रू हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हाउएवर हम लोग एक बिजनेस मैनेजर करके एक है वो क्रिएट करेंगे और वहां से हम लोग पेड एड्स बनाते हैं फॉर आवर बिजनेस, ठीक है। एंड देन वी टारगेट पीपल बेस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो वहां पे जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो उसमें टारगेट करने का बहुत सारा हमारे पास यू नो मेथड्स है, बहुत तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फटाफट दिखाता हूँ थोड़ा कि फेसबुक के अंदर में टारगेटिंग का कैसा हमारे पास ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये सब हम लोग डिटेल में सीखेंगे, बट अभी जस्ट मैं एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि कितना पावरफुल हो सकता है। तो बेसिकली आप फेसबुक के अंदर में जो भी डेटा देते हो उसके हिसाब से टारगेटिंग यहाँ पे हम लोग कर पाते हैं। शगुफ्ता वो सर्वे नहीं, हम लोग खुद ही बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग लेते हैं और उसके बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे टारगेटिंग करते हैं बहुत सारा।
तो इसमें बेसिकली हम लोग टारगेटिंग करते हैं जो ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस, आप बेसिकली जितना डेटा देते हो फेसबुक पे उसके हिसाब से टारगेटिंग होता है। जो बहुत मतलब काफी डिटेल मतलब काफी डेटा है फेसबुक के पास। आप किसी को कॉलेज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, उसके फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, वो उन पेरेंट्स है कि नहीं है, उनके बच्चे हैं कि नहीं है उनके हिसाब से टारगेट कर सकते हो, वो मैरिड है अनमैरिड है, जॉब में है बिजनेस है, उनका जॉब टाइटल क्या है, उनके हिसाब से आप टारगेटिंग करना चाहो तो वो टारगेटिंग करते हो, ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो बहुत इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोग लगा करके फिर लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम लोग अपने ऑडियंस को समझेंगे जिसको ऐड दिखाना है, उतना बेटर शायद हम लोग यहाँ पे टारगेटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एड्स सोशल मीडिया पे हम लोग रन कर रहे हैं, और यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से ही इंस्टाग्राम पे भी एड्स रन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सोशल मीडिया पे पुश एड्स रन कर रहे हैं, फिर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, बट एड रन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है? इंपॉर्टेंट है क्या एड्स दिखना? इंपॉर्टेंट है क्या? तो एड दिखना इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, बट द सेकेंड पार्ट इज अगर सही इंसान, मैंने कल क्या बोला था, एड सेल होगा या नहीं होगा, कल के एपिसोड में सेल होगा या नहीं होगा किस पे डिपेंड करेगा, आधा पार्ट एडवर्टाइजर पे कि सही इंसान को एड दिखाया है कि नहीं दिखाया है। तो अभी इस केस में इनका सेल होगा कि नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, कि इन्होंने सही इंसान को एड दिखाया, इफ दे हैव टारगेटेड आनंद कुमार, इज आनंद कुमार द राइट ऑडियंस फॉर देम, राइट? आधा पार्ट यहाँ पे होगा, देन रिमेनिंग हाफ इज जब वेन आनंद, इफ आनंद इज राइट ऑडियंस, आनंद क्लिक्स हियर गोज टू द वेबसाइट एंड इफ द कंटेंट इज गुड देन आनंद विल बाय देयर प्रोडक्ट, इफ द कंटेंट इज नॉट गुड एंड आनंद विल नॉट बाय द प्रोडक्ट, विच मीन्स दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, कौन सा सही ऑडियंस को टारगेट करना और तीसरा सही है ना, एक सही ऑडियंस को टारगेट करना और दूसरा वेबसाइट पे लाने के लिए के बाद उनको सही राइट कंटेंट एंड राइट कन्वर्जन के लिए इंसेंटिव देना। तो इस केस में पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं इनका टारगेटिंग सही है कि नहीं, बिकॉज ये कमेंट्स जो मैंने देखे इस कमेंट में तो बहुत ही ये दिख रहा है मुझे, डू यू हैव ए व्हीकल डाउन। अभी ये देखो, इसने पेड एडवर्टाइजमेंट किया है, राइट? और इस पे सिर्फ स्पैमिंग हो रहा है, मतलब कोई बोल रहा है कि बॉस तुम अपने ऐड सही से देखो, ठीक है, उसके बाद कोई बोल रहा है ये एक सही ऑडियंस दिख रहा है इसको, यहाँ पे कोई कोई अपना ई बुक बेच दे रहा है, कोई अपना ये दे रहा है वॉइस ओवर योर स्क्रिप्ट्स, सब अपना अपने यहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं ऑफलाइन। तो पता नहीं आर दे रीचिंग आउट ऑफ द राइट ऑडियंस और नॉट। तो ये सब भी अभी ये सब सब एक वेस्टेज ही है कहीं पे। ये देखो, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा सही ऑडियंस को ऐड दिखा रहे कि नहीं। तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे हैं, व्हेन वी लर्न वी विल अंडरस्टैंड, राइट? बढ़िया। सो दैट इज, तो सोशल मीडिया पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, देन हम लोग और कहाँ कहाँ कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, बट दिस इज लार्जली फॉर B2B, इन सम केसेस में दिस विल बी B2C में, कुछ प्रीमियम में हो सकता है, बट लार्जली दिस इज अ B2B स्पेस, लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट करना, राइट? देन सिमिलरली ट्विटर पे होगा, वहां पे एडवर्टाइजमेंट होता है, एंड देन एज अ चैनल यूट्यूब पे है जहां पे हम लोग वीडियोस डालते हैं, एंड वीडियो के थ्रू मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होती है यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो अभी कल एक ऐसे ही फेसबुक पे एड मैंने देखा जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, विच आई विल एक्सप्लोर मोर,
is interactive videos. ये कुछ अभी इसके केस स्टडीज कुछ थे, बट हाँ मतलब देख सकते हो बेसिकली उसमें यूजर से ही पूछना है. अच्छा इसके आगे यस नो, यस बोला तो अलग वीडियो का पाथ चेंज हो जाए, नो बोला तो पाथ चेंज हो जाए. तो ये सब तो चलो कंटेंट का पार्ट हो गया, बट यस तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, आर वीडियो कंजम्पशन हैज गॉन अप एक्सटेंसिवली, राइट. हम लोग वीडियो ज्यादा कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू टेक्स्ट, सही है, या टेक्स्ट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. We consuming more of video, right? तो उसमें YouTube is a huge platform, right? तो then हम लोग YouTube पे channel create करेंगे, फिर वो videos उसमें होंगे, उस videos के views बढ़ाने होंगे, तो वो YouTube के अंदर भी एक थोड़ा सा समझ लो एक SEO जैसा concept होना चाहिए, जैसे search engine optimization, मतलब search engine में मेरा website आना चाहिए, वैसे YouTube के अंदर में भी मेरा channel ranking में आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ दिमाग लगाते हैं. उसके YouTube के वीडियो के व्यूज अगर बढ़ाने होंगे हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग पेड प्रमोशन करते हैं, सही है. एंड देन ऑब्जेक्टिव है कुछ लोगों का, जैसे जिन्होंने YouTube का चैनल बनाया रहेगा तो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ लोगों का होगा कि चलो एडवर्टाइजमेंट से पैसा बनाते हैं. There would be some whose objective will be this YouTube videos should market their product. So there was this guy from Mumbai who called me some days back, and then he was like, we have a training program for stock market and we have an excellent content. So we want this content to market our credibility and sell our courses. Right? So then in that case, his approach on YouTube channel will be different. Then someone like Nisha Madhulika, जो मैंने अभी recipe का side दिखाया, Nisha Madhulika also has a YouTube channel and she creates a lot of recipes there. But her objective is to generate revenue through advertisement on YouTube itself, right? So depends on what is the purpose of you being there on YouTube. Whether you want to generate revenue through advertisement, your approach will be different and your kind of YouTube videos will also be different. राइट अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए ही अगर एडवर्टाइजमेंट से पैसा बनाना हो तो राइट और अगर मुझे अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो फिर कौन से वीडियोस बनाने वो मेरे फिक्स रहेंगे राइट इफ लेट्स से टुमारो मीनाक्षी वांट्स टू क्रिएट लॉट ऑफ वीडियोस टू सेल रियल स्टेट के प्रॉपर्टीज देन हर वीडियोज हैव टू बी अराउंड रियल स्टेट राइट बट इफ शी वॉन्ट्स टू मेक मनी थ्रू एडसेंस थ्रू एडवर्टाइजमेंट तो कोई जरूरी नहीं है वो कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठा करके बना सकती है एज लॉन्ग एज अगर अच्छा वीडियो वो बना सके तो राइट तो देन वी विल अंडरस्टैंड सोशल मीडिया राइट सो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे आज के डेट में और क्या होता है देन यू हैव तो अभी क्या है ब्रांड्स हैं वो लोग क्या मॉनिटर कर रहे हैं कि उनके बारे में कितने लोग बात करते हैं सोशल मीडिया पे राइट वो कितने उसमें से कितने लोग पॉजिटिव बात करते हैं कितने लोग नेगेटिव बात करते हैं मॉनिटर करना चाहेगा क्या एज अ ब्रांड इफ देयर सम बड़ा सा ब्रांड वुड दे वांट टू मॉनिटर हाउ मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम ऑन सोशल मीडिया देखना चाहेंगे राइट तो आपने जब कोई जब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो एंड इफ यू अनसैटिस्फाइड अभी क्या हुआ मैंने एचपी को गाली मतलब इनडायरेक्टली मैंने बोला तुम्हारे प्रोडक्ट्स बेकार है तो अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज है उनके एड मुझे दिख रहे राइट सो दे वर टारगेटिंग मी एंड देन आई सेड कि योर प्रोडक्ट्स आर बैड बिकॉज आई हैव गॉट टू एचपी लैपटॉप्स एंड दोनों लैपटॉप साइड साइड स्क्रीन स्प्लिट हो जाता है उसका वन साइड से तो एक में मैंने बैंडेज डाल रखा बिकॉज अभी के जमाने में देयर इज नो वन टू यू नो सॉल्व इट
मी एंड माय वाइफ दोनों का लैपटॉप जा चुका है एंड काफी सारे लोगों के साथ ऐसा एचपी का हो रहा है, तो वो मैंने डाला. उन्होंने आज तक उसको रिप्लाई भी करने की कोशिश नहीं की है, राइट. और वो मैंने कहां पे डाला है, उनका जो पेड कैंपेन है उसमें मैं डाला हूं. देखो एक मिनट, दिखता है क्या कहीं पे? I think एक बार चेक करना होगा. मैंने उनके एड्स के नीचे में डाला है उनका, जैसे मान लो ये एडवर्टाइजमेंट अभी कमेंट देख रहे थे ना आप लोग एड्स के नीचे, राइट. तो वो तो मैंने उनके एड्स के नीचे कमेंट में डाला है, दे शुड हैव सीन इट बाय नाउ. और मुझे उन्होंने रिप्लाई करना चाहिए था. क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं ये देखो, ये वाला बंदा मैं बोल रहा था, दिस इज द वीडियो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो इसको रिसर्च करना होगा थोड़ा, और विल हैव टू रिसर्च. बट अच्छा, वो एड्स अभी नहीं दिखेंगे. अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोग को एड दिखा उसके नीचे देखो, बहुत सारे लोगों ने गाली मतलब कुछ भी अपनी स्पैमिंग कर रखी है, राइट. और उन्हीं में मान लो कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो नेगेटिव कमेंट भी डालता जाए वहां पे या बाकी जगह, सो इट कैन किल दी ब्रांड ऑल्सो, राइट. इट कैन बी डेंजरस फॉर दी ब्रांड, राइट. सो देन क्या कर रहे हैं अभी ब्रांड्स हैं, दे यूज टूल्स लाइक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कुछ टूल्स यूज करते हैं. अवारियो जैसा एक टूल है, ठीक है, कुछ हम लोग इसके ओवरव्यू देखेंगे. अवारियो है, देन ऐसे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के टूल्स हैं जिसको जिसको लेके ब्रांड्स खुद को मॉनिटर कर रहे हैं. जैसे उनके बारे में कोई बात करता है तो उनको समझ में आता है, दे गेट अ मैसेज. नहीं सागर, ऑल दीज आर फ्री पेड टूल्स, बट उनमें से कुछ हम लोग फ्री वाले देखेंगे, विल सी सम फ्री वाला टूल्स, मतलब लेस कॉस्टली एंड सम फ्री, एक लेवल तक फ्री वाला. तो एक बार आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, वो कॉन्सेप्ट को यू कैन रेप्लिकेट इट ऑन मल्टीपल एनी टूल्स, ठीक है. तो उसमें जाकर के ब्रांड्स अपने आप को मॉनिटर करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज उसको बोलता है सोशल मेंशन इज इट टर्म. सोशल मेंशन इज इट टर्म जहां पे ब्रांड्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट कितने लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं. सो लेट्स से इस महीने 1000 पीपल स्पोक अबाउट अस, सो दैट इज सोशल मेंशन हमारे 1000 हुए, राइट. उनमें से कितने लोगों ने पॉजिटिव बोला, कितने लोगों ने नेगेटिव बोला, दैट इज कॉल्ड एज सेंटीमेंट एनालिसिस. तो ये मतलब अभी मैंने जैसे बोला कि एचपी के एड का जो पोस्ट था, एड का जो पोस्ट था उसके नीचे मैंने कमेंट डाला है, वो तो उनको 100% दिखना चाहिए. बट इसके अलावा ब्रांड्स क्या मॉनिटर कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, मैं एचपी के पेज पे गाली नहीं दे रहा हूं, मैं कहीं भी, मैं आई एम शेयरिंग इट ऑन माय ओन पेज एज अ यूजर, सेइंग दैट कि फ्रेंड्स डू नॉट बाय दिस प्रोडक्ट और व्हाटएवर. तो इट इज इन द इंटरेस्ट, सो दे वुड बी मॉनिटरिंग इट. सो दे डू अ सेंटिमेंट एनालिसिस जहां पे कितने लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कितने नेगेटिव बोल रहे हैं. अवारियो है मीनाक्षी, ओवारियो ने अवारियो है, हाँ सब चीज ये ए डब्ल्यू ए आर आई ओ, ठीक है. तो अवारियो में हम लोग को पता चलेगा, राइट. एंड इसका जो सबसे कॉम्प्लेक्स टूल है जो बड़े वो एक्सपेंसिव है, ये काफी एक्सपेंसिव होगा, मैंने लाखों रुपए में लेगा ये, राइट. बाकी सब रिलेटिवली कम है. तो जैसे मीनाक्षी का क्वेश्चन था कि क्या ये हम लोग को काउंट करके भी बता देगा, सब चीज बताएगा मीनाक्षी, एनीवेयर हैशटैग भी बताएगा. तो बेसिकली वो सर्च हैशटैग के हिसाब से ही होता है कि कितने लोगों ने फ्लिपकार्ट के बारे में लिखा है, जो फ्लिपकार्ट मॉनिटर हो रहा है, कितने लोगों ने लॉकडाउन वर्ड के बारे में लिखा है. तो अभी लेट्स अगर एक रिपोर्ट मैं बनाना चाहूं कि ये लॉकडाउन का सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने किस किस तरह का रिपोर्ट बनाया है, तो वो भी बनाया जा सकता है. इसको पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज करते हैं, जो कितने लोग बीजेपी लिख रहे हैं, कितने लोग कांग्रेस लिख रहे हैं, एंड देन उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंड कंटेंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो एन एनालिसिस विच इज डन, एंड इज और ये पॉलिटिक्स में बहुत एक्सटेंसिवली लोग करते हैं. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट फ्लो, किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव परफेक्ट सब चीज. हाँ हाँ हाँ
So this is a very structured this thing, Sagar. Because social media pe it is voice of people, right? So as a political party, you have to be monitoring social media also. कि कितने लोग क्या बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया का फ्लो हमारे फेवर या अगेंस्ट में जा रहा है या फिर उसको किस डायरेक्शन में ड्राइव करना है, किस तरह के कंटेंट में ड्राइव करना है, वो पूरा स्ट्रैटेजिकली चलता है, राइट? एंड सिमिलरली इसको और किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है. तो बहुत बार देखो सोशल मीडिया पे हम लोग लाइव चेक इन करते हैं, हम लोग बहुत बार पोस्ट में डालते हैं कि जस्ट ऑन माय वे टू गोवा, चाहिए. अभी मान लो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करना चाहेंगे. बोर हो गए लग रहा, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल विल शेयर इट ऑन सोशल मीडिया सेइंग दैट ऑन माय वे टू गोवा. नाउ इमेजिन गोवा में कोई स्पा सर्विस है और सम सर्विस इन गोवा विच टारगेट्स एवरीवन हु विजिटिंग टू गोवा. सो दे कैन बी यूजिंग दिस टूल एंड मॉनिटरिंग कि कितने लोग ये कर रहे हैं. जैसे किसी ने सोशल मीडिया पे डाला ऑन माय वे टू गोवा, इसको एक मैसेज डाला, प्राइवेट मैसेज, वेलकम टू गोवा, सम ब्रीफिंग, एंड देन कैन सम ऑफर समथिंग आल्सो. सो देन दैट इज अ रियल टाइम कस्टमर कनेक्ट के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ठीक है? ठीक है. सो देन वील अंडरस्टैंड दिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ऑल्सो. इसके अलावा और क्या करते हैं? देन वी विल लर्न ईमेल मार्केटिंग, ठीक है? सो ईमेल मार्केटिंग में क्या क्या आज के डेट में इंपॉर्टेंट है? तो एक तो बहुत सारे लोगों को मुझे ईमेल भेजना होगा. सो वी विल लर्न, अभी जैसे जीमेल पे है तो जीमेल में एक साथ क्या मैं 1000 लोगों को ईमेल भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता हूँ. भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते. आप सीसी करके भी नहीं भेज सकते. दिस इज लिमिटेशन, राइट? सो फॉर अ बी टू बी कंपनी आई वांटेड टू सेंड ईमेल्स मास लेवल, तो बल्क ईमेल बोलते हैं. सो बल्क, देन बल्क ईमेल भेजना होगा तो वी यूज बल्क ईमेलिंग के सॉफ्टवेयर. तो उसमें जैसे एक्टिव कैंपेन हो गया, फिर कुछ लोग मेल चिम्प यूज करते हैं, कहीं कहीं पे सेंड ग्रिड यूज करते हैं. मैड मीमी शामिल, आप लोग यही यूज करते हो मैड मीमी? उसमें क्या है बेसिकली, बट यू सेंड बल्क ईमेल्स, आप लोग बल्क ईमेल भेजते हो उसे कि उसको और भी दिमाग लगाते हैं, ड्रिप क्रिएट करते हैं. ओके, नाइस. और ड्रिप में एक्टिविटी बेस्ड करते हैं. ओ वाओ, क्या प्राइसिंग है उसका? मैड मिमी, लेट मी चेक. अरे सेंड इन ब्लू सब पे एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक ये है सेंड इन ब्लू. लेट मी सी हाउ इज दिस. तो सेंड इन ब्लू इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सॉरी ईमेल्स भेज सकते हैं. देखना पड़ेगा इसके फीचर्स क्या क्या है, बट अभी $42 पर मंथ फॉर 10,000 कॉन्टैक्ट, नॉट बैड. सस्ता है, सस्ता मतलब देखना पड़ेगा, एक्टिव कैंपेन से सस्ता है कि नहीं है, बट हम लोग समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. देन ऑफकोर्स वंस यू अंडरस्टैंड एक ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म, देन आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको उसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा करना पड़ेगा, है? तो यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है? ईमेल भेजना है, बट ईमेल हैज टू बी पर्सनलाइज्ड. रिक्वायरमेंट इज वन. सो डियर आनंद, राइट? डियर हेमलता, डियर मीनल,
हर किसी का अलग मीनाक्षी राइट सो हर किसी के लिए अलग अलग ऐसा हो इट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड राइट दैट इज वन रिक्वायरमेंट सेकंड इज इट शुड पर्सनलाइज में ही अब इसमें देखो ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपने शॉपिंग कार्ट बनाया आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था वही प्रोडक्ट आपको मेल पे आया किसी और ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया रहेगा उसको वो प्रोडक्ट ईमेल पे जा रहा है सो दैट इज पर्सनलाइजेशन ऑफ कंटेंट सो व्हेन वी लर्न वी लर्न हाउ टू पर्सनलाइज एंड हाउ टू ऑल्सो पर्सनलाइज द कंटेंट ऐसा ही होता है ना आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे पहले शॉपिंग किया रहेगा तो आपका ईमेल आईडी उनके पास है फिर आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आपके शॉपिंग कार्ट में वही प्रोडक्ट आपको मेल पे वो भेजता है राइट ऐसे ही देखा हो कभी नोटिस किया आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स आपने व्यू किए वही प्रोडक्ट्स आपको मेल पे वो भेजते हैं राइट सो दैट इज पर्सनलाइजेशन हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा जिसने जो देखा रहेगा उसके हिसाब से उनको वो पर्सनलाइज हो रहा है राइट सो ईमेल मार्केटिंग में वी लर्न पर्सनलाइजेशन कैसे करते हैं एंड देन जो अभी शामिल बोल रही थी कि हम लोग ड्रिप यूज करते हैं सो व्हाट इज दैट ड्रिप ड्रिप में क्या है अगर मान लो इसको ऐसा करते हैं एक ऐसे ही सिंपल सा फ्लो बनाता हूं काफी इसका डिटेल्ड फ्लो बनता है तो लेट्स से कुछ लोगों को ईमेल भेजा कुछ लोगों को उनमें से हाँ सागर कुकीज के थ्रू वो ट्रैक होता है सो एक कुकीज का लॉजिक भी मैं आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कुकीज का लॉजिक टू यू जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो कुकीज में बताऊंगा कि कुकीज का लॉजिक क्या कैसे वो काम करता है एंड व्हाट आर एक्चुअली कुकीज इनफैक्ट हमारे यूट्यूब के चैनल पे एक कुकी का मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है तो अभी इसको सिंपल रखते हैं मैं बोल रहा हूं कि मैंने ईमेल भेजा कुछ लोगों ने उस ईमेल को ओपन किया कुछ लोगों ने उस ईमेल को ओपन नहीं किया सही है एंड देन ईमेल को ओपन करने के बाद भी कुछ लोगों ने उस ईमेल में अगर लेट्स से मेरे वेबसाइट का लिंक है तो सम पीपल वुड हैव क्लिक्ड ऑन द लिंक सम पीपल वुड नॉट हैव क्लिक्ड ऑन द लिंक सही है ना ऐसा ही होगा ना सही है तो अगर मान लो मेरे पास कुछ 10-20,000 लोगों का डेटाबेस है उनको मैंने ईमेल भेजा तो उसमें कुछ लोगों ने ईमेल ओपन किया कुछ लोगों ने ईमेल ओपन नहीं किया उनमें से कुछ लोग ईमेल पे क्लिक करेंगे कुछ क्लिक नहीं करेंगे राइट तो इसका मतलब अगर जो नेक्स्ट ईमेल जाना है जिसने पहला ईमेल पढ़ा ही नहीं है तो उसको मे बी अलग ईमेल भेजना चाहेंगे जिसने फर्स्ट ईमेल को पढ़ के मैंने पढ़ा है उस पर लिंक पे भी क्लिक किया है तो इसका इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होगा मे बी इसको अलग ईमेल भेजना चाहेंगे एंड जिसने क्लिक नहीं किया है मे बी इसको अलग ईमेल भेजना चाहेंगे तो इस तरह का कुछ वर्कफ्लो ऑटोमेशन हम लोग सेट करते हैं इसको इसी को शामिल बोल रही है ड्रिप एंड इसको व्हेन वी लर्न मार्केटिंग तो इसमें हम लोग समझेंगे इनबाउंड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में ये कैसे यूज होगा बेसिकली कस्टमर की एक जर्नी है जैसे अभी आप ये कोर्स कर रहे हो ये कोर्स करने का भी एक जर्नी होगा journey would have started with awareness to what is digital marketing then second is okay where can I do this digital marketing then third is online offline and then fourth is okay lips india and then fifth is awareness acquisition right to aisa kuch stages raha hoga aur ye har stage pe you would be looking at different content when you're looking at lips india you would be exploring content as to what is lips india and how good is lips india when you're at the first stage when you're talking about only what is digital marketing or awareness then you would not be looking at lips india you're looking at okay what is digital marketing what is the scope future who all can implement right so har stage ke hisab se your content knowledge requirement was different to agar jab main email bhej raha hu to mujhe bhi usi requirement ke hisab se email bhejna chahiye to uske liye then we are going to use active campaign hai is tarah ke platforms hum log use karenge right to जो यूजर जिस स्टेज पे है उसको इस स्टेज का ईमेल जाना चाहिए एंड देन सिमिलरली उसी स्टेज का उसको हम लोग इसी ईमेल को और क्या करना चाहिए अभी आज के इसमें
सो ईमेल भी भेजना चाहिए एंड एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो सेंड एसएमएस और कॉल रियल टाइम पे हो सकता है. तो जब आपने फ्लिपकार्ट में जाकर के उस शॉपिंग कार्ट बनाई और उसको अबैंडन किया विच मीन्स आपने नहीं खरीदा, तो या तो उसी समय वो आपको ईमेल भेजे या आपको वो एसएमएस पे एसएमएस भेजे कि चलो मैडम आपने कार्ट बनाया था बट यू डिड नॉट बाई, तो चलो वी वुड वांट टू ऑफर यू अ स्पेशल ऑफर ओनली फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स इफ यू बाय. तो उसको रियल टाइम पे एसएमएस भी करना चाहेंगे, राइट? सही है. तो एसएमएस के थ्रू मार्केटिंग हो सकता है, कॉल के थ्रू मार्केटिंग हो सकता है, एंड देन आज के डेट में फिर मिस्ड कॉल के थ्रू मार्केटिंग होता है. मिस्ड कॉल पे आप लोग यूज करते हो मीनाक्षी कुछ मिस्ड कॉल मार्केटिंग? कोई यूज करता मिस्ड कॉल मार्केटिंग का? किसी को आइडिया है? सो मिस्ड कॉल मार्केटिंग में ऐसे गूगल पे जाओ तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. सो मान लो एक होर्डिंग लगाया मीनाक्षी ने, रियल सेट का है ना. सो आप लोग का वैसे किस साइड में है मीनाक्षी? मुंबई में कहाँ पे है प्रोजेक्ट? ओ अल्टमाउंट रोड पे है, बाप रे. तो अल्टमाउंट रोड पे खरीदने वाले लोग तो वहीं पे रहेंगे. हाँ वो अल्टमाउंट रोड पे जो रहते वही खरीद पाएंगे ये आसपास के लोग. ठीक है अस्मिता, ये एक्टिव कैंपेन या मैड मीमी ईमेल भेजने के प्लेटफॉर्म्स हैं. ये ईमेल मार्केटिंग करना है ना, तो उसके लिए हम लोग सेंडग्रिड यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एक्टिव कैंपेन यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज मैड मीमी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए. हमारा रिक्वायरमेंट इज कि वी वांट टू सेंड पर्सनलाइज्ड ईमेल एंड डिपेंडिंग ऑन दी और कंटेंट क्या भेजना चाह रहे हैं हम लोग उसको ईमेल पे. कंटेंट शुड बी डिपेंडिंग ऑन दी स्टेज दे आर, मतलब जिस स्टेज पे हैं डिसीजन मेकिंग के, उस तरह का कंटेंट उनको हम लोग भेजना चाहेंगे. ठीक है तो ये मिस समझ में आया अस्मिता? जो बंदा अभी फाइनल स्टेज पे जो बोल रहा हो कि मेरे को स्टार्ट करना है, तो उसको ऑफर भेजने में सेंस बैठता है, बट जिसको अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का मालूम ही नहीं है उसको ऑफर भेज के क्या फायदा, उसको तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भेजना चाहिए ना. तो ये हम लोग हर किसी को करना चाहते हैं, राइट? इसके फाइनल तो ये ड्रिप, इसी को ड्रिप भी हम लोग सेट करते हैं. तो बेसिकली हम लोग एक्टिव कैंपेन में ये सारा चीज सेट करना सीखेंगे. ठीक है तो अभी फिर एसएमएस होता है, कॉल है, मिस्ड कॉल है, एंड देन मोबाइल है, मोबाइल ऐप है, उसको भी हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं. तो मोबाइल ऐप प्रमोशन के लिए भी हम लोग पेड एड्स करते हैं, जैसे यहाँ पे एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वैसे वहां पे हम लोग करते हैं एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन. ऐप स्टोर के अंदर में हम लोग रैंकिंग में लाने की कोशिश करते हैं मोबाइल ऐप को. ठीक है ठीक है तो ये हम लोग समझेंगे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन भी. हाँ तो मिस्ड कॉल का जैसे मैं मीनाक्षी को आइडिया दे रहा था, तो मान लो वहां चलो अल्टमाउंट रोड पे तो थोड़ा सा डिफरेंट ऑडियंसेस समझना पड़ेगा, बट मान लो वहीं पे ये एक होर्डिंग लगाया कहीं पे, राइट? होर्डिंग्स नॉर्मली यूज कर रहे हैं. तो अभी जो होर्डिंग्स होता है उसका अटेंशन स्पैन कितना होता है? कम ही होता है ना, काफी, राइट? होर्डिंग्स का अटेंशन स्पैन कैसा, सिग्नल पे इंसान होर्डिंग देख रहा है, राइट? अब मान लो उसी होर्डिंग में अगर ऐसा कुछ करे कि मान लो उस होर्डिंग में लिखा मैसेज ये है,
बस इतना ही, क्योंकि वो खड़ा होकर के पूरा डिटेल नहीं देख सकता है, तो क्या बोल रहा है कि इस नंबर पे मिस्ड कॉल दो और आपको डिटेल आ जाएगा। सो लेट्स से आपने मिस्ड कॉल दिया, यू बाय एनी ऑफ दिस मिस्ड कॉल सर्विसेज, द कॉल विल बी डिस्कनेक्टेड बाय इटसेल्फ, राइट? एंड देन सामने से थ्रू एन यू कैन डू इसके आगे, तो बेसिकली दिस मिस्ड कॉल इज द ट्रिगर ऑफ एन इवेंट। इसके आगे आप उसको SMS भेज सकते हो, आप उसको ऑटोमेटेड कॉल कर सकते हो थ्रू एन IVR. IVR इज इंटरक्टिव वॉइस रिकॉर्डर, राइट? उसको कॉल चला गया, प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर लोकेशन, 3 फॉर प्राइसिंग, 4 फॉर बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट, और ऐसा पूरा एक एंगेजमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं मिस्ड कॉल पे। सो मिस्ड कॉल पे नॉलेज बेस बनाया जा सकता है मिस्ड कॉल पे। अभी तो काफी टाइम हो गया, बट फिर भी इफ यू वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि मिस्ड कॉल पे क्या है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक कन खजूरा टेशन करके उन्होंने एक कैंपेन रन किया था फॉर इंटीरियर्स, अभी भी चल रहा होगा बट काफी पुराना है, राइट? तो बेसिकली इसमें मिस्ड कॉल नंबर है, इस नंबर पे मिस्ड कॉल दो, एंड दिस वाज लार्जली फॉर द इंटीरियर जहां पे इंटरनेट नहीं काम करता है और ये वो। तो बेसिकली इस नंबर पे मिस्ड कॉल दो, कॉल डिस्कनेक्ट होता है, देन यू आर कनेक्टेड टू अ रेडियो स्टेशन, सामने से कॉल आएगा, आप सुनते रहो दिन आधा घंटा गाना सुनो नॉन स्टॉप, एंड उसके बीच में हिंदुस्तान लीवर के एड्स आते थे। तो ये काफी पुराना कैंपेन है, बट यस दैट वाज द मिस्ड कॉल का यूसेज। अभी उसको ब्रांडिंग में कहीं भी यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, विच इज फॉर अ रेस्टोरेंट, कोई एड दिखा रहा है, बोला ठीक इस नंबर पे मिस्ड कॉल दो और आपको डिस्काउंट कोड मोबाइल फोन पे आएगा। उससे फायदा क्या होता है कि जब कोई मिस्ड कॉल देगा तो उसका नंबर आपके पास बैकएंड में सेव हो जाता है, तो यू विल ऑल्सो रिसीव द नंबर, राइट? सो दिस इज सम कन्वर्जन दैट यू कैन सी, राइट? तो फिर मिस्ड कॉल, तो मोबाइल मार्केटिंग फिर हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है? हाँ नंदिनी, हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले कुछ कुछ चीजें हैं जो इंप्लीमेंट नहीं, मतलब जिसको आप समझ लोगे तो एज एंड व्हेन यू वांट टू डू इट। जैसे SMS भेजना है बल्क, तो उसको जब भेजना होगा तो सीधे भेज सकते हैं, राइट? तो उसको हम लोग प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, एंड व्हेनेवर इट्स अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स, इट्स अ मैटर, द ओनली थिंग हियर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा चीज कहां पे काम करेगा। कुछ कुछ चीजें बहुत ही सिंपल है, बट दे आर ए पार्ट ऑफ योर 360 डिग्री पूरा मार्केटिंग कैंपेन। जैसे व्हाट्सएप मैसेज भेजना, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं नंदनी, आप भेज सकते हो अभी, परफेक्ट है। तो वो भेजना है कि नहीं भेजना है ये सोचना है, आपके पर्सनल नंबर से भेजना है या बिजनेस नंबर से भेजना है ना? तो वो सोचना है, इफ यू हैव टू सेंड थ्रू अ बिजनेस नंबर देन यू विल नीड, मतलब अगर आपको सामने वाले को बताना है देन व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आएगा। अब वो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में क्या करते हैं कि जैसे अभी नॉर्मली हमको कोई SMS करता है तो वी हैव टू रिप्लाई, बट व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में यू कैन सेट एन ऑटो अलर्ट। तो दीज आर सिंपल प्लेटफॉर्म्स, बट उसको हम लोग अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म्स नहीं है। बट हाँ, उसमें द मोर यू नो एज यूज्ड केसेस द मोर यू विल बी एबल टू सी व्हाट यू कैन यूज फॉर योर बिजनेस। जितना आपको आइडिया रहेगा कि लोगों ने क्या क्या यूज किया, तो हमारे पास भी ओपिनियन आएंगे ना कि क्या क्या कर सकते हैं और, राइट? तो सागर, व्हाट्सएप के कैंपेन्स के होते हैं, जैसे यहां पे आप डालोगे ना तो बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे। बट देखो, समझते हैं, जैसे ये बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस है, वैसे बल्क SMS सर्विस, ये दिख रहा बल्क SMS सर्विस और यहाँ पे बल्क व्हाट्सएप सर्विस, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सर्विस लेजिटिमेट है, विच मीन्स गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर रखा है, ट्राई ने, राइट? यू कैन सेंड बल्क SMS सर्विस। हाँ, उनके कुछ नॉर्म्स है, बेसिकली आप कौन से नंबर्स, यू कैन नॉट सेंड प्रोमोशनल मैसेजेस, प्रोमोशनल नंबर मैसेजेस होते हैं, ट्रांजैक्शनल होते हैं, तो यू कैन नॉट सेंड प्रोमोशनल मैसेजेस टू DND नंबर्स, डू नॉट डिस्टर्ब नंबर्स, राइट? उनको सिर्फ ट्रांजैक्शनल भेज सकते हैं, तो ऐसा रूल बनाया हुआ है। बट तो आप एक साथ 1,00,000 लोगों को SMS भेज सकते हो, दैट्स अ लेजिटिमेट दिस थिंग, राइट? बट व्हाट्सएप ने ऐसा नहीं बना करके रखा। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं, दीज आर ऑल
these are softwares which leverage some loophole, right? They circumvent the software, WhatsApp ka rules ko, policy ko. So basically, उसके थ्रू ये है. तो जिस दिन व्हाट्सएप अपने आप को अपग्रेड करेगा, हो सकता है इनमें से कुछ काम करना बंद कर देंगे. समझ में आ रहा है? तो दीज आर नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम. आज ये चल रहा है, कल शायद नहीं चल रहा होगा. तो अगर आज मुझे भेजना है और इसको टेस्ट कर लिया, अभी चल रहा है तो अभी के अभी भेज दो. शैरन फिर से आइडिया दे, तुम लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप का, बताओ व्हाट डू यू डू. सो बेसिकली दीज आर सॉफ्टवेयर जहां पे परफेक्ट. सो वो बल्क व्हाट्सएप भेजने के लिए, तो बेसिकली यू हैव दीज लिस्ट ऑफ नंबर, फोन नंबर्स आपके पास है, आप अपलोड करो एंड वहां पे आप सीधे SMS भेज दो. ठीक है? लेकिन अब उसमें क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर आज इसके थ्रू भेज पा रहे हैं, कल ये सॉफ्टवेयर बंद हो सकता है, राइट? तो नॉर्मली ये सब क्या बोलते हैं, यू बाई पैकेजेस, कि आप हमसे 1,00,000 SMS, 10,00,000 SMS, 50,000-20,000 SMS, ऐसे इस तरह के पैकेजेस आप खरीदो. देखो सागर, कन्वर्जन की बात करता हूं, आता हूं उस पे. तो इसमें प्राइसिंग होगा कहीं पे, ठीक है? तो बेसिकली जैसे ही व्हाट्सएप ने अपने आप को अपग्रेड किया, तो हो सकता है इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देंगे. तो अगर मैंने मान लो 10,00,000 SMS व्हाट्सएप मैसेज भेजने का पैकेज खरीद लिया इनमें से किसी से, ठीक है? ये देखो न्यू वर्जन रिलीज टुडे है ना. तो अभी मान लो किसी से खरीदा मैंने, 1,00,000 व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे और मेरे पास अभी भी 9,00,000 भेजने के लिए क्रेडिट्स, क्रेडिट मतलब उतना मेरे पास अभी पैकेज में अभी उतना एबिलिटी बाकी है, बट व्हाट्सएप ने अपडेट कर दिया, तो हो सकता है वो काम नहीं करे. तो मेरा 9,00,000 का जो मैंने पैसा पे, ये सब प्रीपेड मेथड है, तो हो सकता है मेरा वेस्ट हो जाए. इसलिए इसमें अकलमंदी ये है कि अगर इफ आई वांटेड टू सेंड टू 1,00,000 पीपल टुडे, तो आज 1,00,000 के लिए खरीदो, डोंट बाय फॉर 10,00,000. व्हेनेवर यू वांट टू बाय सेंड तभी खरीदो वो SMS करने का पैकेट और उसी समय भेजो उसके बाद, सो दैट कि कभी ये अपग्रेड होकर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करे तो आपका पैसा वेस्ट ना हो. ठीक है? तो देन ये कर सकते हैं, SMS कॉल, मिस्ड कॉल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, ये कर सकते हैं. एंड देन इसके बाद फिर आता है बहुत सारे केसेस में, देन यू हैव अफिलिएट मार्केटिंग. तो अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है? दो तरीके से काम करता है. एक तो Amazon बोल रहा है कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट बेच सकते हो तो बेचो एंड आप उसको प्रमोट करो, आपके थ्रू लिंक शेयर करो आपके सोशल मीडिया पे, आपके वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, ठीक है? और यहां देख रहा बिकम एन अफिलिएट. तो बेसिकली वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो शुरू में शागुफ्ता ने पूछा कि एडसेंस क्या है. तो शागुफ्ता पैसा कैसे बना रहे थे एडसेंस में? एडसेंस से पैसा कैसे बना रहे थे शागुफ्ता? अगर आपने एडसेंस यूज किया होगा तो उस पर पैसा कैसे बनाते हैं? हम लोग नहीं एडवर्टाइज करते, हमारे पे हम लोग कैसे पैसा बनाएंगे? अगर आपका ब्लॉग होता तो आप कैसे पैसा बना रहे हो एडसेंस से? आपने एडसेंस अपना जगह दे दिया एडवर्ड्स को, कोई एडवर्टाइजर वहां पे एडवर्टाइज करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, राइट? व्हेन दी एडवर्टाइजर एडवर्टाइजेस ऑन योर वेबसाइट देन यू गेट मनी, राइट? जैसे यहां पे मैंने आप लोग को निशा मधुलिका का दिखाया था, है ना? तो हाउ डज शी मेक मनी? जब यहाँ पे एड्स दिख रहे होते हैं तो, राइट? और ये एड्स क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज एडसेंस है. तो अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं. तो यहाँ पे Amazon says कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट से, अगर आप वेबसाइट हो और एडवर्टाइजमेंट से पैसा बना रहे हो, बट इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट्स,
आप मेरे प्रोडक्ट अगर बेचना चाह रहे हो आपके वेबसाइट के यूजर को, तो आप आओ यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, बिकम माई अफिलियट. वॉट यू हैव टू डू इज आप आओ यहाँ पे, चलो देखते हैं अफिलियट का कैसा. तो अभी देखो ये वेबसाइट बनाया, एसईओ किया, ट्रैफिक आया, रैंक ट्रैफिक आया, वेबसाइट पे ट्रैफिक आया. अब ये लोग पैसा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी ये कैसे पैसा बना रहे होंगे. तो अब यहाँ पे ट्रैफिक लेकर क्या है, यहाँ पे देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है. तो ये अच्छा इस पेज पे लेके आया, चलो इसमें देखते हैं. इस ये इमेज दिख रहा है राइट, तो इस पे अभी क्लिक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो ये वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर के आए और कहां भेज दिया, अमेज़न पे. अभी इधर आकर के अगर मैंने ये खरीद लिया प्रोडक्ट, तो देन दिस वेबसाइट विल गेट सम परसेंटेज. दिस इज कॉल्ड एज अफिलियट मार्केटिंग. इस रिलेशनशिप में ये जो वेबसाइट है ये एडवर्टाइजमेंट से पैसा जनरेट कर सकता था, दूसरा प्रोडक्ट बेच के भी कर पा रहा है, तो दोनों तरीका हो सकता है राइट. इट्स अ विन विन सिचुएशन. ट्रैफिक आया है एडवर्टाइजमेंट से, या तो पैसा जनरेट हो या तो सेल से हो, तो चांसेस थोड़ा सा बेटर हो रहे हैं. अमेजोन के लिए फायदा क्या है कि इसको कब पैसा पे, इसको फ्री में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और इसको पैसा कब मिलेगा, मतलब when does Amazon have to pay money? Amazon has to pay money only on sales. राइट जब सेल्स होगा तभी उसको पैसा पे करना होगा, अदरवाइज पे करने की जरूरत नहीं है. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. नहीं मीनाक्षी, दोनों का ऑब्जेक्टिव समझो. अगर यहाँ पे ये इमेज दिखाने के लिए अमेज़न पैसा पे कर रहा था तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू राइट. बट यहाँ पे अमेज़न पैसा कब पे कर रहा है, जब सेल हो रहा है तब. समझ रहे हो, दोनों में फर्क है ना राइट. जैसे यहां पे ये तो इसका एड, चलो इसको छोड़ो, देखते हैं कोई यहां पे और कुछ एड चल रहा है. अभी ये एड्स मेरे पीछे लगे हैं इसीलिए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट से पैसा बना रही है. यही अगर मान लो कोई एड दिख रहा होता कोई प्रोडक्ट का, ठीक है, ये मेरे हिसाब से वही है क्या. हाँ ये देखो अभी स्टॉक वीडियो नेचर यहाँ पे दिख रहा है राइट. तो दो तरीके से, या तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहा हो, या तो ये बोले कि नहीं जब इस एड पे कोई क्लिक करेगा, हमारे वेबसाइट पे कोई आएगा, चलो देखता हूँ. और शटर स्टॉक पे आया, शटर स्टॉक इमेज बेचता है, तो शटर स्टॉक बोल रहा है मैं ऐड दिखने के लिए पैसा नहीं दूंगा, जब कोई मेरे वेबसाइट पे आकर के मेरे को पैसा देगा तो मैं पैसा दूंगा. तो शटर स्टॉक के लिए कौन सा एडवर्टाइजमेंट बेटर है, कौन सा बेटर है, जब सेल होगा तब पैसा देना बेटर है या ऐड दिखने के लिए पैसा देना चाहेगा. मीनाक्षी विच वन विल बी बेटर, when sale happens right? So these are two different models. But Nisha Madhulika के लिए कौन सा better है, ad दिखने के लिए पैसा लेना या sale पे, ad दिखाने के लिए right? तो but then वो क्या बोल रहे हैं कि चलो ad भी दिखा के पैसा लेते हैं और कोशिश भी करते हैं कि कुछ लोग अगर जाके खरीद भी लेंगे तो शायद percentage ज्यादा मिले, या ad दिखने के लिए 1 रुपया मिलेगा और जाकर के अगर sign up किया तो 100 रुपया मिलेगा, तो वो भी ट्राई करते हैं. तो बेसिकली देन
जिनका ब्लॉग है या वेबसाइट है, दे विल ट्राई बोथ. दे ट्राई एडसेंस एज वेल एज दे ट्राई टू बी अफिलिएट. एंड व्हाट द बिजनेस आल्सो गेट्स इज एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो रहा है. पैसा कब देना? जब सेल हो रहा है तब. समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज अफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है, तो यही अफिलिएट अगर हमको बनना होगा तो सिंपल हमारे पास वेबसाइट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन अफिलिएट मार्केटिंग सेटअप करना इज वेरी इजी. इट्स अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स टू सेटअप अफिलिएट मार्केटिंग. मीनाक्षी कहां पे एडवर्टाइजमेंट स्पीकर पे बताओ, कहां पे आपको एड दिख रहे हैं उसके? एंड ट्रैफिक. अच्छा कोई नहीं. तो यहां पे कौन सा, ये एड आप बोल रहे हो? यहां पे देखो ये एड्स हैं, ये एड्स हैं, ये एड्स हैं, बट ये सब एड थोड़ी है. यहां नहीं लिखा है ना, उसको अपने बीच में एडवर्टाइजमेंट के बीच को, बीच में एड्स को घुसाया है. वड़ा पाव रेसिपी इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट. जहां एडवर्टाइजमेंट होगा वहां लिखे दिखा दिखेगा ना. ये देखो यहां पे लिखा है ना विज्ञापन, राइट? तो ऐसा मिक्स करते हैं सो दैट कि लोगों को कुछ कुछ एड्स, जैसे ये दिख रहा है तो अभी यहां पे एड नहीं दिख रहा है ना, तो इसके क्लिक होने के चांसेस ज्यादा है. ये एड्स तो दिख रहा है ना ऑलरेडी. या विज्ञापन, राइट? हिंदी में साइट है ना उसका, इसलिए. इंग्लिश में रहता तो क्या लिखा होता? एड्स लिखा होता. ठीक है, सो देन अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं. तो अब इतना सारा हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे. अब थोड़ा सा, थोड़ा देर पहले सागर ने एक क्वेश्चन पूछा था. सागर आपने कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ पूछा था, राइट? कन्वर्जन मतलब, अभी देखो इतने तरीके हैं जहां से हम लोग अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं. अलग अलग बिजनेस में इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज होगा. नॉट नेसेसली एवरी बिजनेस विल यूज ऑल ऑफ इट. सही है ना? Every business will use a different combination of it. Some businesses might not use Facebook to that extent. Unko sirf LinkedIn lag raha hoga. Kuch shayad sirf SEO kar payenge. Kuch log SEO karenge hi nahi. Right? But objective, in sab ka objective kya hai? Hamara pura digital marketing ka. To hum log ye pura kyun 360 degree samajhna important hai. Ki agar sirf social media sikha to kyun sufficient nahi hoga. Because kuch cases honge jahan pe ho sakta hai ki shayad social media utna kaam nahi kare. राइट? एंड कुछ केसेस होंगे जहां पे सर्च इंजन उतना काम नहीं करेगा. सही है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज दिस इज आवर ऑनलाइन स्टोर. कौन सा ऑनलाइन स्टोर? मतलब वेबसाइट, राइट? यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस या लीड जनरेट करो, व्हाटएवर. एंड देन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग सोर्सेस से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं. सही है? फर्स्ट टाइम यूजर. एंड देन वो लोग आके खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे ऑनलाइन स्टोर पे. तो इस स्टोर पे फिर हम लोग सेल्स के लिए यहाँ पे कस्टमर के लिए कैरेट डाल रहे हैं, राइट? जिसको ऊपर में मैंने क्या लिखा, सीआरओ. ठीक है, तो ये कुछ उस पर डिपेंड करेगा. ये यहां पे कंटेंट क्या है, गाजर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा मेरा सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? सही है ना? तो दो पार्ट है. ये जो प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां से हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स को वी यूज टू ड्राइव फर्स्ट टाइम यूजर्स को लाने के लिए. एंड वी यूज दीज प्लेटफॉर्म्स इवन टू रीमार्केट यूजर्स. सीआरओ का फुल फॉर्म मीनाक्षी, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. वापस ऊपर मैं स्क्रोल करूंगा और दिखाता हूं. उससे पहले थोड़ा सा ये रीमार्केटिंग बताते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट टाइम यूजर्स मतलब हम लोग अलग अलग जगह से, फेसबुक से किसी को लेके आ रहे हैं, गूगल से लेके आ रहे हैं, राइट? बट
जब तक हम लोग सफिशियंट फॉलोअप नहीं करेंगे राइट, तब तक हमारा कैसे हमारा एफर्ट वेस्ट होगा ना। मान लो अभी मीनाक्षी है, सिर्फ लीड ला रहे हैं बट वहां पे फॉलोअप ही नहीं हो रहा है कुछ सही से, तो वो लीड लाने का कुछ फायदा है क्या? नहीं है ना। तो जो लोग जो लीड्स आ रहे हैं उन लीड्स का पहले सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेश लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड्स इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी, एग्जिस्टिंग लीड्स दोनों का बैलेंस चाहिए होगा। बट अगर प्रायोरिटी सेट करना होगा तो शायद इंसान पहले बोलेगा कि ठीक है लीड्स में जो लोग आगे के स्टेज में पहले उनको फोकस करेंगे, एंड देन अगर हमारे पास बैंडविड्थ बचेगा देन वी विल टारगेट फ्रेश ऑडियंसेस राइट। तो देन फर्स्ट टाइम यूजर को लाने का मतलब ये हो गया, एंड देन आने के बाद मेरे वेबसाइट पे खरीदा या नहीं खरीदा, नहीं खरीदा तो मैं चाहूंगा कि भाई वो वर्ल्ड वाइड वेब पे जहां जहां जाए मैं उसको फॉलो करता रहूं, so that my ads keep reminding them of my product. My ads could be different, so then that is called as remarketing. We'll understand remarketing ka pura ek concept, matlab kya approach, kya ad copies, kitne ad copies, uska journey pura detail mein samjhenge. But yes, to abhi aap log mere website pe hai, main cha raha hu ki aap log ko mera ad dikhta rahe, but koi Facebook pe jata hai to YouTube pe nahi jata, koi YouTube pe jata hai to Instagram pe nahi jata, but main cha raha hu ki जो बंदा जहां जाता है उसको हर जगह मेरा ऐड दिखे। सो आई विल यूज ऑल ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, सॉरी आई विल यूज ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स की, जो बंदा गूगल पे जाता है उसको गूगल पे मेरा ऐड दिखे, जो सोशल मीडिया पे जाता है सोशल मीडिया पे दिखे, जो ईमेल चेक करता है उसको ईमेल में ही मिलना चाहिए, जो एसएमएस करता है चेक और बाकी कहीं नहीं जाता उसको एसएमएस। ऑब्जेक्टिव इज नॉट दीज प्लेटफॉर्म्स, योर ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट टाइम यूजर को लाओ, कन्वर्ट करो, नहीं हुआ तो उसको रीमार्केट करके वापस लाके कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नटशेल में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसी कोशिश में नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोगों ने इतना पैसा खर्च किया तो हम लोग, हमारे पास पैसा तो अनलिमिटेड होगा नहीं, वील हैव लिमिटेड मनी, सो देन वी वुड ऑल्सो वॉन्ट टू इवेल्युएट कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, फेसबुक अच्छा है या इंस्टाग्राम अच्छा है राइट, या गूगल अच्छा है या ईमेल अच्छा है, तो ऐसा हम लोग अलग अलग ट्रैक करना चाहेंगे कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा है, डू वी वॉन्ट टू राइट। तो वॉट वी डू इज देन उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो टूल हम लोग यूज करेंगे, तो गूगल एनालिटिक्स ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग हमारे वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं उनका डेटा हम लोग देख सकते हैं, तो आज के डेट में पैसा खर्च करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा खर्च करना तो बहुत एक पार्ट है, विच आई वुड से टू स्पेंड मनी एंड ऑल ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग राइट, पैसा खर्च करना राइट, दिस कुड बी ओनली 30-40% ऑफ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग प्लान का, बिकॉज बाकी का डिपेंड, मैंने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज वॉट, सेल्स होना चाहिए, तो देन सेल्स का काफी सारा फंक्शन है This and काफी सारा फंक्शन है कि हम लोग क्या सफिशियंट डेटा कलेक्ट करके उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए दिमाग लगा रहे हैं क्या। तो जैसे ये देखो, ये गूगल एनालिटिक्स है, ये डमी डेटा गूगल का साइट का हमारा है, सो वेन वी लर्न गूगल एनालिटिक्स वील गिव यू एक्सेस टू आर गूगल एनालिटिक्स का डेटा, सो यू अंडरस्टैंड की क्या है, बट हाँ इसके अंदर में बहुत सारा डेटा रहेगा, हम लोग कहाँ से लोग आते हैं, कौन से डिवाइस से आते हैं, किस घंटे पे आते हैं, कौन से दिन को आते हैं, फिर किससे आते हैं, मोबाइल फोन से आते हैं या उससे कन्वर्ट होने वाले लोग कहाँ से आते हैं,
राइट एंड देन इसके अलावा ऐसे कुछ डिफॉल्ट इसमें डेटा कैप्चर होता है, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ चीजें यहाँ पे डेटा कैप्चर सेट करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने पेज बना दिया, हमारे वेबसाइट के पेज पे वीडियो डाल दिए, राइट, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितना परसेंटेज लोग वीडियो देखते हैं, मतलब पेज को कितना परसेंटेज स्क्रोल करते हैं। कुछ फायदा है क्या पेज को स्क्रोल मतलब कितना पेज स्क्रोल करते हैं नापने के लिए, मेजर करने के लिए? कुछ आइडिया है? तो हम लोग ये समझ, अभी मान लो हमारे वेबसाइट पे 1000 लोग आ गए, पेड एडवर्टाइजमेंट किया, एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लो ये सब एडवर्टाइजमेंट किया, यहां से मान लो 1000 लोग वेबसाइट पे आ गए या 10,000 आ गए, और उनमें से मेरा प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदा, मान लो 1000 में से किसी ने भी नहीं खरीदा, तो क्या गड़बड़ी हो सकता है? कुछ आइडिया है, कोई बता सकता है कि व्हाट कुड बी रॉन्ग देयर? हिमलता आवाज आ रही है? या आई कैन हियर यू। ओके, आई थॉट यू साइन साइलेंट थे, इसलिए। नो ओके। एड लोकेशन ऑन साइट, राजेंद्र, एड लोकेशन ऑन साइट मतलब फिर से एक बार आइडिया देंगे, क्या बोल रहे हो आप? सो माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से हम लोगों ने वेबसाइट बनाया एंड उस पे वी हैड 1000 पीपल हु विजिटेड आवर वेबसाइट, ठीक है, थ्रू दीज हम लोगों ने पैसा खर्च किया, 1000 लोग आ गए। ये बेसिकली आज सवेरे एक स्टूडेंट ने फोन करके पूछा, प्लस सर अभी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, पैसा खर्च किया, इतने लोग तो आ गए, बट मेरा अभी सेल्स कुछ भी नहीं हुआ है। तो ही वॉज लाइक कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तो एक तो गलत हो सकता है कि ये जो टारगेटिंग कर रहे हैं ये गलत हो सकता है, सही है ना? सही है। दूसरा क्या गलती हो सकता है? दूसरा ये भी तो हो सकता है कि जो लोग आ रहे हैं आने के बाद मेरा ये वाला पोर्शन सही नहीं हो, सही है, ये भी हो सकता है ना, मेरा वेबसाइट परफेक्ट नहीं हो, कंटेंट सही नहीं हो, तो पता कैसे चलेगा, राइट? तो ये यूजर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए कि लोग क्या पूरा पेज पढ़ते हैं, क्या पूरा वीडियो देखते हैं, क्या कौन कौन से बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये सब ट्रैकिंग सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टूल है गूगल टैग मैनेजर करके, ये टूल है, और इस टूल के थ्रू हम लोग बहुत सारे टैग सेट करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत चीज सेट करते हैं, कौन से बटन पे क्लिक किया, कितना परसेंटेज स्क्रॉल किया, कौन से वीडियो पे क्लिक किया, उसके बाद उनके कॉम्बिनेशंस देखे, तो ऐसे, और जो देख रहे हैं यहाँ पे कितना परसेंटेज स्क्रॉल किया लोगों ने, राइट, तो इसमें बहुत सारे हम लोग टैग्स क्रिएट करते हैं और उसे हम लोग ट्रैक करते हैं कि जो बंदा फेसबुक से आया था क्या ये 100% पेज देखता है या नहीं देखता है। हाँ सागर, थोड़ा सा और ये हम लोग सीखेंगे, उतना भी टेक्निकल नहीं है, हम लोग कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। तो आज के डेट में ये टैग जनरेशन खुद में एक बहुत बड़ा ये है, जो जॉब के एंगल से भी अभी डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशंस के कुछ धीरे धीरे रोल आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग ऑप्स, जिसमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होगा मार्केटिंग भी आना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल समझना चाहिए, टेक्निकल मतलब फुल कोडिंग नहीं, बट आज के डेट में बिना कोडिंग के भी बेसिक नॉलेज पे हम लोग कुछ कुछ कर सकते हैं, तो वी शुड बी एबल टू सेट ऑल दीज टैग्स, हम लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग ये ट्रैक कर पाएंगे कि अगर मान लो ये मेरा पेज रहता, तो हम लोग ये ट्रैक कर पाएंगे कि यूजर मैक्सिमम लोग कितना परसेंटेज स्क्रॉल करके निकल जाते हैं, उसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो मान लो अगर ये मेरा लैंडिंग पेज होता और मेरे को दिखता है अभी मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40% स्क्रॉल पे हूँ, तो अगर मेरा डेटा बताता है कि 80% लोग 40% स्क्रॉल करके निकल जाते हैं, तो क्या करना चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट है सेल्स पिच का, वो शुरू के 40% में ही रहे। करना चाहेंगे ऐसा, राइट? समझ में आ रहा सबको? तो फिर ये मैं ट्रैक करना चाहूंगा, राइट? और इस तरह के बहुत सारी चीजें हम लोग टैग मैनेजर से सेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब मीनाक्षी का क्वेश्चन था टैग मैनेजर और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो निधि, डेटा यहाँ पे मिलता है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में,
जो गूगल एनालिटिक्स में कुछ डेटा बाय डिफॉल्ट हम लोग को मिलता है यहाँ पे, बताता हूं अजय रुक जाओ। तो हम लोग को डेटा मिलता है यहां पे, कहां पे, गूगल एनालिटिक्स में। बट तो गूगल एनालिटिक्स एक लेवल का डेटा देखता है, देता है हम लोग को, बाकी हम लोग को उसमें एनेबल करना होता है। तो हम लोग गूगल टैग मैनेजर से बहुत सारा डेटा एनेबल कर रहे हैं। ये सब जो डेटा है, जैसे यहां पे दिख रहा ना परसेंटेज स्क्रोल का डेटा, राइट, ये डेटा दिखेगा यहीं पे, बट एनेबल हम लोग वहां पे करते हैं, एनेबल टैग मैनेजर में करते हैं। तो टैग मैनेजर में सेटअप करते हो, डेटा आपको यहां पे दिखता है एनालिटिक्स में। मीनाक्षी समझ में आया? तो अगर मान लो मेरे रिक्वायरमेंट में 100 डेटा मैं जानना चाह रहा हूं, तो एनालिटिक्स मुझे सिर्फ 60 दे रहा है, बाकी 40 आई विल हैव टू एनेबल, विच वी विल अंडरस्टैंड। सो वन पार्ट ऑफ इट इज थ्रू गूगल टैग मैनेजर एंड द अदर पार्ट ऑफ इट इज यहां पे, ये देखो Amazon को कैसे पता चलता है कि ये जो अभी यहाँ पे ये दिखा था ना अफिलिएट का, तो ये यहाँ पे क्लिक किया, यूजर यहाँ पे आया। मैंने क्या बोला कि जो यूजर इधर आया, अगर ये इधर से खरीदेगा, राइट, परचेज कर लेगा, तो इसको परसेंटेज मिलेगा। travelfashiongirl.com will generate some revenue. How will Amazon come to know? Because इस पे तो आने वाले बहुत सारे लोग होंगे ना इस पेज पे, तो Amazon को कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदे ने खरीदा वो कैसे, मतलब वो ट्रैवल फैशन गर्ल के थ्रू आया था। तो ये बेसिकली URL ट्रैकिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, और ये URL ट्रैकिंग को हम लोग समझेंगे। तो ये जो ट्रैकिंग है ना, इसके थ्रू समझ में आता है। तो एक्चुअल पेज ये होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूं तो सेम पेज रहेगा। सो दिस इज द एक्चुअल पेज, और इसके आगे का पूरा जो ये है, दिस इज ऑल यूज फॉर ट्रैकिंग। और ये सब धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सो टैग मैनेजर विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं URL ट्रैकिंग। सो URL ट्रैकिंग विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे भी समझना, अलग अलग लोगों को समझना चाहेंगे कि कौन कन्वर्ट होता है कौन नहीं होता है। तो वील अंडरस्टैंड URL ट्रैकिंग इन फुल डिटेल, डोंट वरी। बट अभी एज ऑफ नाउ जब भी आप कहीं पे जाते हो, तो देखो व्हाट्सएप पे भी बहुत बार आपको फॉरवर्डेड मैसेजेस आएगा ना, तो ऐसे ही दिखेगा, क्वेश्चन मार्क होगा URL के बीच में, एंड देन उसके आगे का सारा पार्ट ट्रैकिंग के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है। एंड देन फिर इनमें से भी कुछ डेटा हम लोग गूगल एनालिटिक्स में डाल सकते हैं, जो हम लोग समझेंगे जब व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस डेटा वाला पार्ट। टैग मैनेजर इज वेयर यू एनेबल डेटा। सो इसको लेमन टर्म्स में समझाता हूं, आप रियल सेट में हो, राइट, तो अभी आपके पास जितने वॉकिंस आते हैं, आपके पास उनका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर तो होगा, कहाँ जॉब करते हैं, क्या इनकम होगा, मैरिड है या नहीं है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके फैमिली में और कितने मेंबर्स हैं, अभी कहाँ रहते हैं, तो ऐसे मान लो 50 क्वेश्चंस है। क्या ये सारा क्वेश्चन का डेटा आपके पास रहेगा क्या मीनाक्षी? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ नहीं सर, हाँ डेटा तो सब रहेगा हमारे पास। कैसे कलेक्ट करते हो ये डेटा? ये डेटा जब भी क्लाइंट आता है अगर, तो उसपे जो हम फॉर्म फिल करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने वेबसाइट की बात करें, एक्सेप्ट एड्स की, अगर मेरे वेबसाइट पे कितना अट्रैक्शन आया है मेरे कैंपेन के बीच में, तो वो फॉर्म फिल करके कितने लोग गए हैं वो फॉर्म से पता चलेगा। परफेक्ट है, बट लेकिन आपको सिर्फ इतना उसका नाम मिल गया, ईमेल आईडी, इतना ज्यादा से ज्यादा समझ आ गया फेसबुक, राइट, बट जब उस वो शादीशुदा है कि नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कौन सा बिजनेस करता है, क्या अर्निंग, ये कब समझ में आता है? जब आपके पास वॉक इन आता है तब? यस। तो ये आपकी टीम में से कोई डेटा पूछता है उससे? हाँ, वो हमारे प्रॉपर एक सेटअप है, उसमें टैब देते हैं, वो फिल करता है उसमें मैंडेट। तो ये कोई करवाता होगा ना? हाँ हाँ, दैट इज डेटा एनेबलमेंट। अगर कोई ये नहीं करवाएगा तो डेटा कलेक्ट नहीं होगा ना? राइट। और ये डेटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है? कोई डेटाबेस होगा ना आपका? ये सॉफ्टवेयर पे होता है, राइट, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सारा डेटा। तो इसका दो पार्ट हो गया ना, इसका मतलब एक कोई डेटा कलेक्शन एनेबल कर रहा है, मतलब कोई डेटा कलेक्ट करवा रहा है, और एक कहीं पे जाकर के कलेक्ट हो रहा है, राइट। तो अगर सॉफ्टवेयर डेटा लेने वाला लोग डेटा नहीं लेगा, तो सॉफ्टवेयर में डेटा आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट। तो समझ लो वो सॉफ्टवेयर इज गूगल एनालिटिक्स,
ओके राइट तो उसमें कुछ डेटा पहले से है गूगल एनालिटिक्स में, अब हम लोग को और डेटा चाहिए, बट वो डेटा कौन सा अभी कुछ है तो उतना उसी लेवल पे रहेगा। अगर हम लोग को और चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सॉफ्टवेयर में और डेटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चनेयर में और क्वेश्चंस ऐड करने होंगे ना। ओके ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे मुझे अगर लीड्स प्रॉपर्ली नहीं आ रहे तो मैं मेरे फिल्टर्स चेंज करूंगी या ऐड करूंगी। फील्ड्स, फिल्टर नहीं फील्ड बोल रहे हैं, राइट फील्ड, आई एम सॉरी फील्ड, परफेक्ट। तो वो फेसबुक में आप ऐड करोगे राइट, बट वो डेटा कहीं आके कलेक्ट होगा ना, राइट हाँ राइट। तो उसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स में एक लेवल का डेटा हम लोग को मिलता है हमारे वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो है ना ट्रैफिक सोर्सेज, ये डमी डेटा है गूगल का, गूगल मर्केंटाइज का, तो ये गूगल एनालिटिक्स में कोई भी लॉग इन करेगा तो उसको दिखेगा ये राइट। तो एक लेवल का डेटा ये है जो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, अब उसके आगे का डेटा हम लोग को चाहिए, हम लोग और डिटेल में जाना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग एनेबल कर रहे हैं गूगल टैग मैनेजर से राइट। बट ये एनेबल करना, समझ में आया कि भाई और एडिशनल फील्ड्स लेते हैं, तो वो एनेबल करना हुआ, वो डेटा कहाँ कलेक्ट होगा सॉफ्टवेयर में, तो डेटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कलेक्शन एनेबल कर रहे हैं। उसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए जैसे मैंने बोला, अगर डेटा ये बताता है कि भाई 80% लोग 40% स्क्रोल करके निकल जाते हैं वेबसाइट से, एग्जिट कर जाते हैं, सो देन माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दी वेबसाइट, मेरा सेल्स पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू के 40% में ही होना चाहिए, यस यस राइट। बट ये मुझे अगर समझ में आएगा तभी कर पाऊंगा ना, यस राइट। एंड देन उसके बाद फिर जैसे कुछ टूल्स और भी हैं जो यूजर बिहेवियर, मतलब हम लोगों ने वेबसाइट बनाया तो वो सही है कि नहीं, उसका यूजर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए भी कुछ टूल्स हैं, जैसे ये स्मार्ट लुक करके एक टूल है, ये क्या करता है देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे देखो अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स से कोई क्यों आ गया हमारे वेबसाइट पे पता नहीं, बट जो भी हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उनका एक रिकॉर्डिंग कैप्चर होता है यहाँ पे, ये देखो उसने क्या क्या एक्टिविटी किया है, कौन से पेज पे आया, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर्स के पेज पे, हाँ दिस विल बी पेड बाय लिप्स ना, ये रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, हाँ मतलब ये इसके पेड फीचर्स भी हैं, बट ये हम लोग फ्री भी कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये समझ रहे हैं यूजर बिहेवियर को समझने के लिए अच्छा है ये। ये देखो ये जो भी आप जो भी मेरे वेबसाइट पे आ रहा है उसने क्या क्या एक्टिविटी की है उसका ये वीडियो कैप्चर कर लेता है, तो दिस इज अ गुड टूल, और ऐसे और भी टूल्स होंगे, बट ये सब क्या है, ये सब डेटा समझने की पार्ट है कि मेरे पास 1000 लोग आ गए उन्होंने खरीदा क्यों नहीं राइट। तो ये अभी हमारे कॉन्टैक्टर्स के पेज पे, इसने 1 मिनट स्पेंड किया है, 3 पेजेस विजिट किया, ठीक है इस यूजर के। अब इस यूजर को देखें ये क्या कर रहा है, ये 0.8 सेकंड से 0.45, इसको देखें ये क्या कर रहा है यहाँ पे, दिख रहा है वीडियो जैसा कैप्चर हो रहा है ना, ये इसी का हीट मैप भी होता है कि कहां पे लोग ज्यादा देख रहे हैं या जो भी, तो इससे आपको समझ में आता है ना कि लोग कहाँ क्लिक कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, ये भी एक टूल है। तो ये सब टूल्स हम लोग को चाहिए होगा डेटा एनालिसिस के लिए राइट। सो 11th पार्ट इज डेटा, डेटा में हम लोग क्या देख रहे हैं, गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल एनालिटिक्स राइट। और ये धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा, this will become very important, data collection or data analysis bahut important hoga, because this will define ki next mujhe google pe campaign run karna hai ya nahi karna hai, sahi hai। to ye sara cheez yahi cheez hum log ko ab seekhna start karna hai right। तो अब इसमें एक क्वेश्चन था, अजय का एक क्वेश्चन था कि फेसबुक को टैग मैनेजर के साथ ऑपरेशनल है, फेसबुक का एक लेवल को टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी के लिए डिपेंड करेगा तुम क्या चीज करना चाह रहे हो, क्या इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। अविनाश कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, हम लोग सब ड्रैग एंड ड्रॉप में जाने वाले हैं,
ठीक है, तो अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाई होते जा रही है, हम लोग को लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, बहुत बार मैं कोड सीधे कॉपी करता हूँ, मैं गूगल पे जाऊंगा कोड सर्च करूंगा कॉपी करूं, मेरे को उसको मीनिंग नहीं समझना है, मेरे को सिर्फ मालूम ये फंक्शनलिटी इसके थ्रू हो जाता है बस खत्म, ठीक है। बट डोंट वरी, वो हमारे लिए एलियन नहीं होगा, विल नॉट बी स्केर्ड ऑफ कोड्स बिकॉज वो फ्रेंडली है। हम लोग को कोडिंग नहीं करना है, हम लोग को वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कोड नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन था जॉब के लिए कैसे होगा, राइट, किसका क्वेश्चन था वो, जॉब के रेफरेंस में किसने क्वेश्चन पूछा था, हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प इन जॉब, ऐसा कुछ कोई किसी ने पूछा ना, हाँ अविनाश आपने पूछा था, राइट, ओके। तो देखो अब ये समझो कि ये मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है क्या यहाँ पे, ठीक है। सो टिपिकली दिस इज डिजिटल मार्केटिंग जो लार्जली लोग समझते हैं, बट एज अ मार्केटर इफ आई नो दिस एंड दिस तो मैं पूरा साइकिल खुद में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अगर ये पूरा मुझे आता है एंड इफ आई एम अ बिजनेस ओनर तो मैं खुद से ये सारा चीज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने लिए। अगर मैं बिजनेस ओनर मतलब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं किसी को हायर करना चाहूंगा जो मेरे लिए ये कर पाए, राइट। तो दोनों केस में अगर मैं खुद कर सकता हूं तो मैं खुद करूंगा, नहीं तो किसी को हायर करूंगा जो ये कर सकता है, विच मीन्स इंपॉर्टेंट क्या है, ये आना चाहिए, राइट। एंड देन उसको कोई बिजनेस वाला बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, राइट, एंड कोई जॉब सीकर जॉब के लिए यूज कर रहा है। जॉब में क्या करेगा वो किसी बिजनेस के लिए ये इंप्लीमेंट करेगा ना, राइट, समझ में आया, ओके। सो